अभी जी बिना पूछे अगर कुछ लगा दिया है, मान लीजिए जैसे कहा कि गरीब का तो 1 रुपया भी कभी मिलता है, अगर किसी के नाम पर लगा दिया बिना बाबा के पूछे तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, वो पीछा नहीं बाबा से आते हैं। अगर सेंटर में भोग भी लगाना है, बहन जी को बताओ, बहन जी भी क्या करती है, अपने आप खाने देती, सवेरे अमृत पहले बाबा के कमरे में बैठती है, बाबा या आपकी बच्ची रोज क्लास में आती है, योग भी करती है, धारणा में भी चलती है, 10 साल से ज्ञान में चलती है, उनका बेटा ज्ञान में नहीं चलता है, उन्होंने शरीर चढ़ाओ, माता जी कहती है भोग लगाना है, बाबा लगावे। तो हर महीने भी सेंटर में अमृत वेले योग में बैठे समय बाबा को हर बात पूछती है और बाबा उनको बता, बच्ची हाँ या ना, बच्ची ठीक है, उनको निशाने बताता है, तो वो भी पूछ के करते हैं। नियम है सेंटर में जो निमित्त टीचर है, हर चीज बाबा से अमृत वेले पूछती है। हर घर सेंटर में कुछ होता है, कभी किसी ने कुछ कहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम है ना, बाबा को पूछ के सेंटर में हर कार्य करते हैं, तब बाबा रक्षक है, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हर एक को बाबा डायरेक्शन होता है, तब का एक ही टीचर है, एक ही माँ बाप है, हम सब बच्चे हैं, तो बाबा की नजर हर बच्चों के ऊपर है। हर सेंटर पर कैसा देखो, दरवाजे खुले हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं, कौन करता है, तो करण करावन हार सब करता है, हर एक बच्चों के ऊपर ध्यान है। उदाहरण बताओ कैसे बाबा देखता है, एक सेंटर में दो बहनें रहती थी, दोनों लौकिक बहन है, एक बहन भोग लगाती थी, एक बहन खाना बनाती थी, एक बहन भोग लगाने बैठी तो उसको बार बार विचारता है, बच्ची सेंटर छोड़ के जाओ, भोग लगाने पे बाबा ऐसे विचार क्यों दे रहा है, भोग लगाने तो बच्ची सेंटर छोड़ के जाओ, तो उसको लगा आज मेरा ठीक नहीं बन, तो दूसरी बहन खाना बनाने दी, उसको कहा आज तुम भोग लगाओ, क्यों नहीं आप लगाओ, तो वो खाना रख करके आके उसको भी वही विचार, बच्ची अब का आप सेंटर छोड़ के जाओ, सेंटर छोड़ के पीछे यही विचार आ रहा है, तो उसने पूछा आप क्यों भोगने लगा, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, उसने कहा बाबा बोल रहा है सेंटर छोड़ के जाओ, सेंटर खाली करो जल्दी से जल्दी जाओ, तो कहते मुझे भी वही विचार आया, तो तुरंत उन्होंने कैसे जाए प्लेन से जाना पड़ा, ये कहाँ श्रीलंका में, जब स्वतंत्र हुआ मद्रास वाला ने सेंटर खोला था, जब वो स्वतंत्र हुआ तब होने से पहले वक्त जा नहीं सके, तो तुरंत एरोप्लेन प्लेन वालों को बोला भाई जी हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमको मद्रास जाना है, बहन जी 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी आओ, लास्ट प्लेन जा रहा है, तो ऐसे ही चक्कर छोड़ के गए और श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, दोबारा आप जा नहीं सकते। तो बाबा हर बच्चों का ध्यान